छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का आगाज, रायपुर में 3 दिनों तक लोक कला, साहित्य और ग्रामीण खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया। इस 3 दिनी आयोजन में लोक कला, साहित्य और ग्रामीण खेलों की प्रतिस्पर्धा होनी है। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के साथ 10,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार के साथ 7,500 और तृतीय पुरस्कार के साथ 5,000 रूपए नगद मिलने वाला है। युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि इस महोत्सव में युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है। वहीं राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक लोक खेल परंपराओं आदि को जानने और समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारा यह प्रयास रहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उत्साह केवल आयोजनों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका रचनात्मक कार्यों में भी इस्तेमाल होता रहे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने बताया, इस युवा महोत्सव में कुल 38 विधाओं में प्रतिस्पर्धा होनी है। उनमें से 24 सांस्कृतिक विधाएं, 6 खेल विधाएं तथा 7 अन्य विधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन भी हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, गुडुख, सरगुजिया जैसी बोली भाषा के साहित्य पर चर्चा होनी है। उद्घाटन समारोह को संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, धरसिम्बा विधायक अनीता शर्मा, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का आदि मौजूद रहे।